हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम और एक स्ट्रेटजी ट्राई करेंगे। इसमें आपको क्या करना है कि हर डज़न का जो मिडल कॉलम है, मिडल डबल स्ट्रीट है, उसमें आपको एक एक यूनिट बेट प्लेस करनी है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं करूँगा, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और लास्ट का जो डज़न है मिडल, देखते क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो हमारा कॉलम हिट हुआ है, डबल स्ट्रीट नहीं। तो आपको एज इट इज बेट रखना है और स्पिन करना है। आपको डबल नहीं करना है जब तक कि आपका टोटल बेट लॉस ना हो जाए। ठीक है, और अगर मान लीजिए 2 से 3 कंटिन्यूस आपके पार्शियल बेट हिट होते हैं, मतलब सिर्फ कॉलम हिट होते हैं आपके, तो आपको डबल करना है एक बार। अब जैसे कि हमारा डबल स्ट्रीट और कॉलम दोनों हिट हुआ है, 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। टारगेट हमारा वही रहेगा दोस्तों, 20% रहेगा इस वीडियो के लिए। ओके, तो ये टोटल लॉस हुआ है, अब मैं रिबेट करूँगा और डबल करूँगा, देखते क्या रिजल्ट आता है। तो हमारा हिट हो गया है दोनों, कॉलम भी और डबल स्ट्रीट भी। तो हम यहाँ पे बेट फिर से बेसिक कर देंगे, जो स्टार्टिंग बेट थी। इनिशियल बेट जो है 50 रुपीज़ की है फ्रेंड्स। अगर आपका सिर्फ डबल स्ट्रीट हिट होता है तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, अगर सिर्फ कॉलम हिट होता है तो आपका 20 रुपीज़ का वहाँ पे लॉस होगा। तो देखिए, अभी हमारा सिर्फ डबल स्ट्रीट हिट हुआ है, हमें 60 रुपीज़ मिला है, मतलब एक यूनिट का हमें प्रॉफिट हुआ है। रिबेट करना है आपको, ओके। तो अभी हमारा डबल स्ट्रीट और कॉलम दोनों ही हिट हुआ है, देखते क्या रिजल्ट आता है अभी। ओके, तो अभी हमारा डबल स्ट्रीट हिट हुआ है, कॉलम नहीं, फिर भी हमें एक यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, रिबेट करना है। काफ़ी सिंपल सिस्टम है ये। ओके, तो अभी हमारा दोनों ही हिट हुआ है, 17 आया है। अब मैं रिबेट करूँगा और कुछ नंबर्स है जो मैं ऐड करूँगा कि मुझे जो लगता है पैटर्न के हिसाब से आने चाहिए। स्ट्रेटजी खेलते खेलते दोस्तों, कभी ऐसा लगता है आपको पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट राउंड में कुछ नंबर्स है जिसमें से आ सकता है, तो आप ज़रूर उसके लिए बेट प्लेस करिए। मैं स्ट्रेटजी के बीच में ही बेट प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जो नंबर है उनमें से कोई हिट हो सकता है। तो देखते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो नंबर है उसी में से हिट हुआ है। अगर वो नंबर नहीं लगाए होते तो अभी मुझे इस राउंड में डबल करना पड़ता। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पैटर्न के हिसाब से कुछ नंबर है जो आने चाहिए, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इस चीज़ को आपको कैसे खेलना है, तो उस वीडियो में आपको वो समझ में आ जाएगा। तो अभी हमारा सिर्फ कॉलम हिट हुआ है। कैसा है कि रोलेट में अगर आप गेम समझ जाते हो तो आपको खेलने में काफ़ी आसानी होगी। सिस्टम की मदद से आपको जो आप खेलते हो वो थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब आप डायरेक्टली नंबर लगा के भी खेल सकते हो। तो अभी हमारा टोटल लॉस हुआ है, यहाँ पे हम डबल करेंगे। ऑलरेडी हमारा टारगेट हिट हो चुका है, फिर भी हम वीडियो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, इसके लिए मैं खेल रहा हूँ आगे।
ठीक है, तो ये भी टोटल लॉस हुआ है। मैं फिर से और एक बार डबल करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए सिर्फ कॉलन में हिट हुआ है, तो मैं बेट कम नहीं करूँगा, बेट मैं एज इट इज़ रखूँगा जब तक कि मैं प्रॉफिट में ना आ जाऊँ। अब यहाँ पे भी हमारा डबल स्ट्रीट हिट हुआ है, तो मैं एज इट इज़ बेट रखूँगा। फिर से दोस्तों देखिए सिर्फ कॉलम हिट हुआ है, बेट एज इट इज़ रखूँगा मैं यहाँ पे भी। ओके, अभी हमारा डबल स्ट्रीट और कॉलम दोनों ही हिट हुआ है, बेट मैं एज इट इज़ ही रख रहा हूँ क्योंकि अभी तक हम प्रॉफिट में नहीं आए। ओके, इस बार भी दोनों हिट हुए हमारे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी 30% के आसपास में अप हूँ। तो इस तरह से ये सिस्टम आप प्ले कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरा चैनल नया है सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी मैं ऐसे ही बढ़िया वीडियो बनाते रहूँगा और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा रोलेट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।